दो डायरी। वो उनकी शादी का सालगिरह का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसी का नतीजा थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बातें अच्छी तरह से जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहली वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही थी। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हम दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी डायरी ही ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूंगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुमने वादा किया निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे, क्या मैं इस काबिल भी नहीं। इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली है। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते, मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसीलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बोनी हैं। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। पति पत्नी दोनों ने फैसला कि वे जैसे हैं अच्छा करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।